नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। कंगना रनौत जब से सुशांत मामले में बॉलीवुड पर निशाना साध रही हैं, अपने साथ हुई बुरी चीज़ों के बारे में बता रही हैं। तभी से बॉलीवुड की ये क्वीन कई लोगों के निशाने पर है, फिर चाहे जया बच्चन हो या फिर सोनम कपूर। अब लीजिए, टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी कंगना पर निशाना साधा है। बता दें कि काम्या पहले दिन से ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रही हैं और जस्टिस फॉर SSR मुहिम का भी हिस्सा रही हैं। लेकिन जब जया बच्चन ने राज्यसभा में बयान दिया कि कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं, तो काम्या ने उनका सपोर्ट किया था। इसके साथ ही उन्होंने कंगना रनौत पर भी पलटवार किया और कहा कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। एक लीडिंग वेबसाइट के अनुसार काम्या पंजाबी ने कंगना पर गुस्सा निकालते हुए कहा है कि जब सुशांत की मौत हुई तब आप कहाँ थी, अब अचानक ही आप अपने साथ हुई सारी गलत चीज़ों पर बोल रही हैं। कुछ लोगों के साथ आपका अनुभव सही नहीं रहा तो सिर्फ इसलिए आप पूरी इंडस्ट्री पर आरोप लगा रही हैं, उसे बदनाम कर रही हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री को गटर नहीं कह सकते। मैं इसके खिलाफ बोलूंगी, अगर चीज़ें इतनी बुरी हैं तो फिर आप इंडस्ट्री छोड़ क्यों नहीं देती। आम जनता भेड़ चाल फॉलो करती है, फोकस अब सुशांत से हटकर अन्य चीज़ों पर चला गया है, लोगों को अब जागने की ज़रूरत है। तो देखा आपने, काम्या ने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आपको बॉलीवुड में चीज़ें इतनी बुरी लगती हैं तो छोड़ दीजिए इस इंडस्ट्री को। वैसे आपको बता दें कि काम्या से पहले इस तरह का बयान सालों पहले करण जौहर भी दे चुके हैं। करण ने भी कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर यहाँ पर उन्हें इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो बॉलीवुड, कुछ और करो, किसने रोका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि काम्या के स्टेटमेंट पर कंगना कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे काम्या की बातों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।